पृथ्वीराज चौहान की 852वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 14 दिवसीय समारोह के अंतर्गत सोमवार को चंद्रवरदाई नगर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम के बास्केटबॉल मैदान पर योग शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी ने भी योग के विभिन्न आसन सीखे। कर्ण प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि 30 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित इस योग शिविर में योग प्रशिक्षक योग बाला वैष्णव और उनके सहयोगी प्रदीप सेन ने प्रातः 5:30 बजे योग शिविर प्रशिक्षण में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम विभिन्न तरह के आसनों का अभ्यास कराया। लगभग 90 मिनट तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में आयोजन समिति की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को जयंती के मुख्य कार्यक्रम में 12 मई को पृथ्वीराज स्मारक पर स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हॉकी लीग प्रतियोगिता का आयोजन चंद्रबरदाई नगर स्थित स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर 2 से 4 मई तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नजीराबाद स्थित सैन्य टीम्स के साथ साथ शहर की स्कूली एवं महाविद्यालयी टीम्स भाग ले रही है। 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बुधवार 2 मई को शाम 5 बजे सामाजिक एवं न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं 2 बार ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 852वीं जयंती 12 मई को मनाई जाएगी। 14 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत आज योग शिविर का आयोजन चंद्रवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर में के बास्केटबॉल में आज योग शिविर का आयोजन प्रारंभ किया गया। इस योग शिविर के अंदर 5 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। आज से ये प्रारंभ हो गया जो लगातार 4 तारीख तक चलेगा। इसमें प्रशिक्षक के रूप में योग बाला वैष्णव ने इसके अंदर अपना प्रशिक्षण दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पृथ्वीराज जयंती के उपलक्ष में लोगों ने ये माना कि हमारे स्वास्थ्य का भी किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने हर क्षेत्र में योग के बारे में जानकारियां दी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।